सेंटर, क्लेरास कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एकता मंच, आज की आवाज़ और वर्सोवा यारी रोड परिसर के सभी नागरिक संगठन और नागरिकों ने जो फ्लड रिलीफ के लिए यहाँ पर बहुत मेहनत के साथ में जो पैसे इकट्ठा किए, ये जो यहाँ से पूरा मदद का जो पूरा यहाँ का पूरा सामान मटेरियल्स जो यहाँ से कोल्हापुर भेजा जा रहा है, ये काम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सराहनीय काम है और सैल्यूट डिज़र्व करता है। और एक ऐसी संकट की घड़ी में किस प्रकार से ये पूरा महाराष्ट्र, पूरा समाज किस प्रकार से कोल्हापुर, सातारा और सांगली के पीड़ित लोगों के साथ में खड़ा है, इसका एक अद्भुत उदाहरण है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे पैकेट्स मुंबई शहर से एक उम्मीद उन लोगों के लिए लेकर जा रहे हैं, एक अच्छी आने वाली कल की सुबह की उम्मीद। और ये उम्मीद कि आज भले ही हम तकलीफ़ में हैं, हम संकट में हैं, लेकिन आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, इस रात के बाद में सुबह होगी, और इस उम्मीद को लेकर ये मटेरियल यहाँ से जा रहे हैं। हमेशा उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है और हमेशा अच्छे काम को बढ़ावा देने के लिए वो खुद उपस्थित रहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। सर, क्या ऐसा इंस्पिरेशन था लोगों का साथ मांगने से पहले, क्या चैलेंजेस थे आपके सामने, थोड़ा सा बताएंगे सर इस बारे में, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? नहीं, आपको पता होगा कि हमारी संस्था जो है, चाहे एकता मंच हो, चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर, हाई स्कूल हो, जब जब कठिनाइयों का वक्त से कभी भी देश गुजरा है, हमेशा हमारी संस्था ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो ये पहली बार नहीं है कि ये संस्था ने ये काम किया है। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरा भाग्य है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ सर के साथ, क्योंकि आज सर आज से नहीं, बहुत सालों से ये जो कर रहे हैं, जो इंसानियत है वो स्टेज पे आपको दिख रही है। आज जो सर्वधर्म सर्व पक्षियों जो बैठे थे, तो हम लोग ऐसे ही बोलेंगे कि एक एक जो जन बैठे थे, सब लोग ने अपने फूल ने दो फूल का जो हम लोग कण मात्र जो मदद कर रहे हैं, वो अजय सर के द्वारा ही वहाँ पहुँच रहा है। इसलिए मैं अजय सर और जो एकता मंच और जो स्कूल की तरफ से अमित जी का और जहाँ जो बैठे हैं सबका मैं आभार इधर बोलूँगी कि सब लोग ने जो मेहनत की है और आज जो मटेरियल जमा किया है, तो हम लोग सब पूरी तरह से तो हम लोग उनको मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ हम लोग ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि पूरी तरह से आगे जाके उनको अच्छा रिलीफ दे सकें हम लोग। ये तो अजय सर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनका जो फैब्रिक है, तो उनका मतलब उनके जो कैरेक्टरिस्टिक का जो फैब्रिक है, वो अपने आप में सर्वधर्म, मतलब इनके साथ में सर्वधर्म, एक सेक्युलर फैब्रिक जिसको कहते हैं, उसके ज्वलंत उदाहरण अजय कौल सर हैं। और इनके साथ यहाँ पर सभी, इनके हर कार्यक्रम में आप देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति, वर्ण, व्यवस्था सबको भूल करके सारे ही लोग अजय सर के साथ में ऐसे अनेकों सामाजिक कार्यक्रम में उनकी सहभाग करते हैं, उनको विश्वास रखते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं। मैं मुंबई शहर के सभी नागरिकों को ये विनती करता हूँ कि कोल्हापुर, सातारा और सांगली के फ्लड रिलीफ के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चीफ़ मिनिस्टर्स, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड जो है, उस महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के लिए आप उसमें अपना योगदान दें, जिसके माध्यम से कोल्हापुर, सातारा और सांगली के लोगों के रिहैबिलिटेशन का काम, उनके पुनर्वसन का काम ये बहुत जल्दी हो पाएगा और सरकार को वो काम जल्दी पूरा करने में एक बहुत बड़ी सहायता उसकी होगी। और इसीलिए महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में डोनेट करने के लिए मैं मुंबई शहर के लोगों को आह्वान कर रहा हूँ।